गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने सैटरडे को सेकंड लेसन को आज रीड कर लिया था। आज हम हमारे कार्य की शुरुआत लेसन नंबर सेकंड के अभ्यास के साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण कुरुत हमने कर लिए थे, दोबारा से देख ले एक बारी। छात्रा लता प्रयोगशाला, लेखिका शिक्षिका, पेटिका माला, सेविका नौका, छुरिया कलिका एंड गायिका। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सूची का जो घड़ी भी सुई होती है, घड़ी जो हमारी दीवार पे लगाने वाली है, हाथों में पहनने वाली घड़ी होती है, उसमें क्या है, तीन सुइयां होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सूचिका, पिपलिका, कुचिका मीन्स जुताले की चाबी, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका मीन्स कहते हैं साइकिल, दो पहियों से चलने वाली चीज़ क्या होती है, साइकिल। उत्पीठिका मीन्स क्या, जिसके ऊपर बैठ के हम काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्या है, अपना खाना भी खा सकते हैं, मीन्स मेज। मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका अग्निपेटिका मीन्स माचिस। मापिका 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 मीन्स क्या होता है, स्केल, जिसे हम क्या है, मेजरमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। मापिका मीन्स मापना, कोई भी चीज़ को मापने वाली, मापने का यंत्र, उसको हम क्या कहते हैं, मापिका, स्केल। वीणा, ये क्या है, वीणा। देखिए अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, मीन्स क्या, वर्ण को संयोजन करके, वर्ण को एक साथ लिखकर, वर्ण को पढ़कर, वर्ण को लिखकर, एक साथ मिलाकर, कृत्वा मीन्स करना है, पदम मीन्स पद पूरा एक, कोष्टके, कोष्टके मीन्स क्या होता है, ये जो आपके ऊपर ये ब्लैंक्स दिए हुए ना, इन ब्लैंक्स के ऊपर लिखना है, लिखत मीन्स लिखना है, वर्ण को मिलाकर इस ब्लैंक के ऊपर हमने क्या करना है, राइट करना है। देखिए ये हमारा सेम क्वेश्चन फर्स्ट लेसन में भी था। देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है, आपको करा हुआ दिखा रखा है, हम सेकंड से करेंगे। देखो उ प्लस में आधा द प्लस में आधा य आ ने ये एडी वाला ए। देखिए मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारा नीचे मतलब क्या है, स्वर जो है वो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। जो ये व्यंजन, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देने पर क्या हो जाता है, वो व्यंजन क्या होता है हमारा, आधा मीन्स आधा व्यंजन का मीन्स क्या होता है कि उसमें कोई भी स्वर अभी ऐड नहीं है। जब स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल करेंगे तो क्या बन जाता है, पूरा एक निर्भर मीन्स के अपने आप में ही एक व्यंजन बन जाता है, जो अपने आप पर डिपेंड होता है। ओके, देखिए ऊ का तो हमने ऊ का ऊ राइट कर लिया, आधा द और य क्या बन गया, ये देखो आधा द के बाद कोई भी व्यंजन स्वर नहीं है, तो ये क्या, आधा द का आधा द रह गया। य य का य में अ ऐड है, अ आ, तो क्या बने, ये य तो ये आ गया और आ की मात्रा वाला यहाँ पे ऐड कर दिया। न ए उद्यान ने, ए का क्या हो गया, जो देखो ए की मात्रा ऐसे बनती है, ए उद्यान ने। थर्ड सेकंड देखिए, स थ आ सॉरी आ न ए, देखो स का हमने स राइट कर दिया, थ सॉरी आधा स, क्योंकि ये पूरा स नहीं है, इसके साथ कोई भी व्यंजन नहीं है, तो क्या हो गया, आधा स, थ और आ, था बन गया, आ की मात्रा ऐड हो गई। ठीक है, न न में अ ऐड है, था नी ल ल छोड़ गए, ल छोड़ गए, एक बार इसको दोबारा से देखिए, स थ
आ यही है। देखियो स आधा थ स आ गया, थ में आ ऐड हो गया, था बन गया, ल ई क्या बन गया, ल को छोटी ई की मात्रा, क आ क्या बन गया, स्थाली का मीन्स थालियाँ, स्थालिया का मीन्स क्या होता है, आपने इसको राइट करने की जरूरत नहीं, हमने क्या सिर्फ राइट करना स्थाली का। ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड देखिए एक बारी, घ अ ट ई क आ ठीक है। देखो घ में अ मिला हुआ तो क्या बन गया, ये पूरा घ, ट ई ट को छोटी ई की मात्रा, घट्टी क आ क्या बन गया, घट्टी का हो गया। क्लियर इससे। एक बार फोर्थ हो देख लीजिए, स त र ई ल ई देखो स आधा स ठीक है, तो देखो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो और र आधा त और आधा र मिलके क्या तत्र हमारे संयुक्त व्यंजन में, आपने रीड भी किया होगा पहले छोटे क्लासेस में, तो क्या आधा त और आधा र मिलकर क्या बन गया, त्र, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन गया, त्र, इसके ऊपर क्या ई की सॉरी बड़ी ई की मात्रा, स त्री ल ई की बन गया, इसमें ऐड कर सेम की सेम ऐसे इसके साथ कोई भी ग ओ स्त्री लिंग। फिफ्थ हमारा क्या बनेगा, देखो म आ प ई क अ क्या बन गया, मापी का ओके, म आ प ई क आ क्या बन गया, मापी का। दोबारा से देखिए, देखो हमारा क्या बन गया था, फर्स्ट क्या ऊ द य आन ए क्या बन गया, उद्यान उद्यानी। सेकंड हमारा ये है, इसको छोड़ देना एक बारी आप ठीक है। सेकंड देखो क्या बन गया, स्थाली का थालियाँ। सेकंड क्या बन गया, घ अ ट ई क आ घट्टी का, स त र ई ल ई अ ग अ क्या बन गया, स्त्री लिंग। फिफ्थ हमारा क्या बन गया, मापी का। ओके बेटा, आपने इसको अपने फेयर नोटबुक पे राइट करना है और लर्न अच्छे से करना है, समझना है, लर्न के बजाय समझना है हमने कि हमने कैसे करना है। ओके।